हम क्या खाएंगे वो हम न तय करेंगे, वो कोई दूसरा क्यों हमारे लिए तय करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम दिल्ली के मशहूर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हैं, जहां 2 साल बाद फिर हिंसा का एक माहौल हमें देखने को पिछली रात मिला। यहां पे हमने जब छात्रों से बात की तो उनका आरोप ये है कि एबीवीपी के छात्रों ने अन्य छात्रों के साथ मारपीट की, क्योंकि एबीवीपी के छात्र मांग कर रहे थे कि रामनवमी के अवसर पर कैंपस में मीट सर्व ना किया जाए। लेकिन बाकी जो दूसरे जो छात्र थे उन्होंने कहा कि पहले आप अपना जो भी कंजम्पशन है वो कर लीजिए, उसके बाद में मीट सर्व किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद एबीवीपी के छात्र नहीं माने। छात्रों का दूसरा आरोप ये भी है कि वे लगातार हिंसा के दौरान लगभग 4 घंटों तक लगातार दिल्ली पुलिस को कॉल करते रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें कोई भी सहायता नहीं मिली, और जिसके फलस्वरूप हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कई छात्रों को गंभीर चोटें आई। जेएनयू के पूरे सारे हॉस्टल्स में नॉन वेज फूड सर्व किया जाता है स्टूडेंट्स को, साथ में वेज फूड भी सर्व किया जाता है। जिसको खाना है वो खाता है, जिसको नहीं खाना उसको वेज ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिया जाता है। तो कल है, तो कल भी यही था। कावेरी हॉस्टल में क्या हुआ कि 1 बजे के करीब जो वेंडर है वो चिकन डिलीवर करने आता है, उसको एबीवीपी के जो गुंडे हैं उसको मार के भगा देते हैं। इसको लेकर जो वहाँ के रेजिडेंट है वो मेस वार्डन से मिलने जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा जो खाना है वो आज क्यों नहीं बन रहा है। तो वहाँ से पता चलता है कि ना वार्डन से कोई परमिशन है, ना कोई डीन ऑफ स्टूडेंट से परमिशन है। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि देखो रामनवमी के अंदर ऐसा था, हम भी रामनवमी गाँव में बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, और जिसमें पशु की बलि भी दी जाती है। बहुत सारे ऐसे रीजन भी हैं जहाँ पे रामनवमी के दिन, तो मीट को लेके आप इस तरह का मतलब इम्पोजिशन नहीं लगा सकते स्टूडेंट्स पे। लेकिन उसी दौरान उनपे एबीवीपी के गुंडे अटैक करते हैं, उनपे भी अटैक करते हैं और बुरे तरीके से मारते पीटते हैं। हमें पता चलता है, एसयू को लोगों को पता चलता है, तो वहाँ जाकर मामले को शांत करा दिया जाता है। 3:30 बजे ये उन्होंने करना शुरू किया, स्टूडेंट्स को इंटिमिडेट करना शुरू किया, डराना शुरू किया, गाली गलौज करना शुरू किया, तो हमें लगा कि मारपीट में भी उतर सकते हैं, तो हमने दिल्ली पुलिस में कॉल कर दिया था। तो एक जो वैन है दिल्ली पुलिस की वो लगभग 5:30 के लगभग वहाँ कैंपस में पहुंची। इस घटना को मद्देनजर रखते हुए 1:08 बजे का ऑल आउट का कॉल दिया जाता है, लेकिन उसके 10 मिनट पहले फिर से हमें कावेरी हॉस्टल से एक मैसेज आता है कि यहाँ फिर से जो वहाँ पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। वहाँ पे जब हम पहुंचे कावेरी तो देखा कि एक तरफ एबीवीपी के लोग हैं जो गालियां दे रहे हैं, बद्दी बद्दी नारे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ बीच में सिक्योरिटी के लोग हैं, इस तरफ दूसरे हमारे साथी हैं जो खड़े हैं। ये सुनकर गोदावरी हॉस्टल्स की लड़कियां जो है वहाँ कावेरी हॉस्टल्स में जाती हैं, उनको भी मारा पीटा जाता है। जब मेस एक्ट शुरू होने वाला था उस टाइम दोबारा 20-30 एबीवीपी के गुंडे स्टूडेंट्स को घेर के उनके साथ मारपीट शुरू किया। उसमें मुझे भी चाटा लगा, मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हुई। उसके बाद जब थोड़ा होश संभाला, बाहर की तरफ हम लोग जाने लगे, तब बहुत सारे लोग तब पथराव शुरू हुआ। उस टाइम अख्तरिस्ता को चोट लगा, उसको दिखाई नहीं दे रहा था कुछ देर के लिए। मैं हॉस्टल के अंदर थी और जो एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे वो हॉस्टल के बाहर से चीजें फेंक कर मार रहे थे, और उन लोग ने बहुत ही एक बड़ा सा एक स्टोन फेंक कर मेरे सर पर मारा, और मुझे काफ़ी ब्लीडिंग हुई। उसके बाद मैं एम्स में एडमिट थी और स्टिचेस लगे हैं अभी मुझे, और बहुत सारे ऐसे तमाम स्टूडेंट्स हैं जो एम्स में एडमिट थे, सफदरजंग में एडमिट थे, जो बुरी तरीके से घायल थे। गार्ड्स को भी चोट लगा है, आप देखेंगे गार्ड से पूछेंगे बहुत सारे गार्ड्स को चोट लगा है इस चीज़ में, क्योंकि उन्होंने जो झंडे ले रखे थे उससे उन्होंने मारने की कोशिश की गई है। बहुत सारे आज वीडियोस में देखेंगे उन डंडों से मारने की कोशिश की गई है, उनको बांस का डंडा मिला उससे मारने की, वाइपर्स मिले, डस्टबिन मिले, पत्थर मिले, ईंट मिली, हर चीज से पीटने की कोशिश की गई। मेरे साथ उसी दौरान क्या हुआ कि उन्होंने 2-3 बार, जैसे कि जब सिक्योरिटी था तो उस टाइम में मुझे 2-3 बार मारा। उसके बाद में जब मैं हॉस्टल की रेलिंग के पास खड़ा था तो रेलिंग के उस तरफ से चढ़ के किसी ने मेरे ऊपर सर के ऊपर पत्थर मारा। उसके बाद में जब मैं बाहर आ गया, मुझे लगा कि अब इनका गुस्सा ठंडा हो गया, अब शायद मारपीट नहीं करेंगे ये लोग, तो मैं दूर जाके खड़ा हो गया। तो वहां भी ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहां घेर के फिर मार रहे हैं। फिर मैं और ज्यादा दूर चला गया, गोदावरी ढाबे के पास आ गया कावेरी हॉस्टल से, तो गोदावरी ढाबे पे भी ये लोग आ गए, वहां भी मुझे पकड़ा, घेराबंदी की सारे लोगों ने, और वहां पे पीटने की कोशिश की।
मतलब पीटा मुझे, जिससे मेरे यहाँ पे ब्लडिंग हुई और यहाँ पे स्टिचेस भी आए हैं। लड़कियों के ड्रेस खराब किए गए हैं, मोलेस्ट किया गया, बोला गया रात को देख लेंगे, हमको पता है तुम कहाँ रहती हो, कहाँ जाती हो, हम देख लेंगे। हमने दिल्ली पुलिस को कंटिन्यूअसली कॉल किया, तब जाके दिल्ली पुलिस 9:30 बजे आई और वहाँ पे भी दिल्ली पुलिस आके दिल्ली पुलिस के सामने लोग बच्चों को पीटा जा रहा है और पुलिस बोल रही है कि हम क्या कर सकते हैं। जहाँ पे उनको बचाने की जरूरत है, जहाँ पे स्टूडेंट्स भाग के उनकी वैन की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पे भी उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। 4 बजे से पुलिस को कॉल किया जा रहा है कि ये हो रहा है, अब आइए। पुलिस वहाँ मौजूद थी उसके वैन, उसका ऐसे चुप खुद हमारे सामने भागा अपनी जान बचाने के लिए। ये हालत है दिल्ली पुलिस की, जो स्टूडेंट्स की सुरक्षा नहीं दे। पिछले साल नवंबर में इन्होंने सेम लोगों ने मारपीट की थी, जिसकी कंप्लेन हमने पुलिस में दी थी। कुछ कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जिनपे मल्टीपल टाइम्स हैं, वो लोगों को मारने पीटने की कंप्लेन्स है, FIR है, लेकिन फिर भी पुलिस इनको अरेस्ट नहीं कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से एक इम्प्यूनिटी मिली हुई है। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक रूप से बाबरी मस्जिद से लेकर जो है वो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वहां से लेके अब तक का जो पूरा यात्रा है उसमें इसी तरीके से नेता बने हैं और इनको नेता बनना होता है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स को पकड़ के मारते हैं और उनको लाइमलाइट में आना होता है कि लाइमलाइट में आके स्टूडेंट्स को मार दिया और फिर इनको प्रमोशन मिलता है अपने अपने संगठनों में, अपने अपने राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। देखिए, इस देश में क्या एक इंसान खाएगा और क्या पहनेगा, ये कोई ABVP का मेंबर या कोई BJP का MP या MLA तो नहीं तय करेगा ना। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सारे सिटीजन का कि वो इस देश में क्या खाएगा, क्या पहनेगा। और आप जब से BJP सरकार में आई है, हम देख रहे हैं किस तरीके से गाय के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, किस तरीके से हमने कर्नाटका में देखा कि हिजाब किस तरीके से महिलाओं को नहीं पहनने दिया जा रहा है। तो ये पूरा जो अटैक चल रहा है इस देश में, ये काफ़ी हॉरिफाइंग है और हम सबको ये ज़रूरत है कि हम उनके खिलाफ खड़े हो। और ये बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें पूरी आज़ादी देता है इस चीज़ का।